हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज शाम की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या कुछ हैं, उनके मन में क्या है। ठीक है, लाइफ में तो बहुत कुछ होता है, चलता रहता है, मन में क्या होता है इंसान के, इंसान चाहता क्या है। तो ये हम व्यूवर्स यहाँ पर देखने वाले हैं, जनरल रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम कर ले, जो रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है व्यूवर्स ऐसी और रीडिंग्स के लिए, ओके। एंड पर्सनल के लिए व्यूवर्स ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है, आपको लेके क्या चाहते हैं वो, ओके। सो अपने पर्सन के माइंड पे, उनके नाम पे फोकस करिएगा और अपने माइंड को प्लीज़ शांत रखने की कोशिश करना। जो भी आएगा वो जर्नल जरूर है, लेकिन देखना जो आपसे रेजोनेट हो, आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो, वही क्लेम करना। तो देखते हैं क्या कुछ है उनके मन में, उनके माइंड में आपको लेके क्या चाहते हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या चाहते हैं वो। ओके, सो वी हैव रिवर्स टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है हमारे पास, एस ऑफ वैंड एंड रिवर्स पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले राशि की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु आपके पर्सन की राशि हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृषभ एंड मीन राशि यहाँ पर आपके पर्सन की हो सकती है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले तो आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है मुझे। जैसे कि उसके लिए या तो ये रिश्ता निभाना, इस रिश्ते को आगे लेके जाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है, या इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मतलब संभालना, सॉर्ट आउट करना, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना है आपके पर्सन के लिए कहीं ना कहीं बहुत, जैसे कि एक ऐसा टास्क बन गया है जो इनके लिए उम्मीद से ज़्यादा, कहते हैं ना, जिसमें इनको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे या इनकी उम्मीद से ज़्यादा इनके लिए वो चीज़ें बड़ी हो गई। जैसे इन्होंने सोचा नहीं था ये इशू इतना बड़ा हो सकता है, जो भी आप दोनों के बीच में इशू हो या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन हो, वो सिचुएशन भी बस आपके पर्सन के सामने फ़िलहाल एक पहाड़ जैसी है जिसको ये अपनी तरफ से संभालने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन संभाल जैसे कि नहीं पा रहे हैं। मतलब समवेयर जैसे कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, इस सिचुएशन के नीचे, इस कनेक्शन के प्रेशर में या फिर इस जो भी आउटकम है आप लोगों के लिए, उसके नीचे ये पर्सन अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है जैसे सारी की सारी जिम्मेदारी इस कनेक्शन की संभालने की इनके कंधों पर आ गई है और वो इस लायक अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहे, या इनके लिए इतना सब कुछ नहीं है इजी इन चीज़ों से बाहर निकलना या सॉर्ट आउट करना। क्योंकि ऐसा देख पा रही व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं रुकावटों का काम कर रही है, राइट कि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कोई प्रॉब्लम ऐसी आके खड़ी होगी, मे बी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर है, आपकी तरफ से भी प्रेशर है, दोनों प्रेशर के बीच में आपका पर्सन यहाँ पर फंसता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग ले गाइज, मैं यहाँ पर ये कहूँगी ये जो सॉरी ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपका यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये आपको एक तरह के लव वाइब्रेशन यहाँ पे सेंड करने की आपका पर्सन कोशिश कर रहा है, सो दैट ये आपके एक तो माइंड को चेंज कर सके, आपको रिलैक्स कर सके। जो आपने सुना ही होगा एक लव वाइब्रेशन का, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत एक प्रोसेस तरीके से या फिर आपको बहुत एक टेक्निकल तरीके से आपको लव वाइब्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक ए फॉर्मल न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इस पर्सन की तरफ से है। ओके, मुझे व्यूअर्स यहाँ पर दोनों ही तरफ से, पीछे भी और आगे भी अगर देखा जाए, यहाँ पे दोनों ही तरफ से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपको ये बोलना चाहता है, ये बोलना चाहती है कि मैं इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ में जुड़ना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में कम्युनिकेशन भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, जो भी गाइज यहाँ पर है। लेकिन इनके लिए ये करना भी जैसे कि एक कहते हैं ना टेढ़ी खीर हो गया है, एक जंग का मैदान हो गया, बैटल हो गई है जिसमें आपके पर्सन को बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं और इनके लिए व्यूअर्स ये चीज़ें फ़िलहाल सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा नज़र आ रहा है। ओके, तो वन नंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, वन नंबर, टेन नंबर, तो वन और टेन की एनर्जी गाइज यहाँ पर निकल के आई है और देखते हैं क्या कुछ है इस पर्सन के मन में आपको लेके, क्या चाहते हैं आपके पर्सन आज शाम के, उनके इंटेंशन प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, सो वी हैव सन, अच्छा ये कार्ड भी आना ही चाह रहा है, सन मून यहाँ पे व्यूअर्स देखो दोनों ही एनर्जी आई है, सन मून एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल।
तो आप दोनों के बीच में व्यूवर्स एक ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है जो कि एक दूसरे को कट कर रही है। हाँ, ये आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है जो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। कोई जैसे कि कोई बात ऐसी हो जाना, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, या कहीं ना कहीं कुछ आपके पर्सन है यहाँ पे जैसे कि हो गया इनसे, बस ये ऐसा कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि यार मुझसे तुमसे धोखा हो गया, या फिर मैंने तुम्हारे साथ में ये चीज़ें बस कर दी, जैसे कि बचकानेपन में आके मुझसे ये चीज़ें हो गई। और जैसे कि किसी के साथ में संबंध बना लेना, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं यहाँ पे, आप और आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों या तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, या सोल कनेक्शन लेके चल रहे होंगे, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक मुझे थोड़े दिन पहले एक मैसेज ऐसा मिला था यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ लोगों का अगर सन और मून साइन अगर बहुत ही प्रोमिनेंट है आप लोगों की लाइफ में इस समय, अगर कुंडली में अगर आपके सन और मून इम्पैक्ट कर रहा है, तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी। ये एक मैसेज मुझे मिला था व्यूवर्स अभी कुछ दिन पहले। तो जिन लोगों की लाइफ में है कुछ इस तरह का, तो आप देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो ज़रूर हुई है कहीं ना कहीं, ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इसके बोझ के तले दबा जा रहा है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे, जैसे कि इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि इनसे गलती तो बहुत ज़्यादा हुई है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व करके या ऐसी कोई गलती कमिट करके जो इस पर्सन को नहीं करनी चाहिए थी, और आप आज आपका पर्सन व्यूवर्स मुझे उन गलतियों की वजह से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर मुझे फील करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दे सकता है व्यूवर्स कि ये जो कहीं ना कहीं जो आपके सामने ये सडन आया है रिलेशनशिप, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप दोनों रिलेशनशिप में हो, चाहे जिस भी तरह से हो, जो चीज़ें उजागर हुई हैं, आपके पर्सन पहले तो ऐसा नहीं चाहते थे, वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, ये चीज़ें गाइज मुझे समझ में आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी ये दिख रही है कि ये चाहते थे कि ये कनेक्शन इनसे बन गया, चाहे इंटेंशनली हो नॉन इंटेंशनली हो, लेकिन बन गया, चलो ठीक है बन गया, लेकिन ये छुपा रहना चाहिए, ये हाइड रहना चाहिए, ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं थी कि वो आपको या तो छोड़ के जाएँ या फिर आपसे मूव ऑन करें या फिर आपके साथ में ये चीज़ें आएँ, बस वो ये चाहते थे कि ये चीज़ें जो भी है फॉर अ टाइमिंग कहीं ना कहीं चीज़ें चल गई हैं, इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो थर्ड पार्टी आई है इसका भी अपना एक अलग पर्पस है, ठीक है, इसका भी अपना एक अलग पर्पस है, ये फॉर अ टाइमिंग के साथ में जुड़ा है, जैसे कि जुड़ा है जुड़ी है जो भी है, वो कहीं ना कहीं फिर से आया है चला भी जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें व्यूवर्स आप दोनों के कनेक्शन में जैसे रिवील होने के बाद में बिगड़ी हैं, ठीक है, रिवील होने के बाद में बिगड़ी है व्यूवर्स, तो इनके ऊपर उस पर्सन की तरफ से भी इम्पैक्ट हुआ है, आपकी तरफ से भी इम्पैक्ट हुआ, और आपका पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फंस गया है, ये चीज़ें गाइज मुझे नज़र आ रही है। और आपका पर्सन ये चाहता है कि वो आपके साथ में जुड़े तो सही, फिर से शुरुआत करें, लेकिन इस शुरुआत में व्यूवर्स उनके उनका दिल बड़ा घबरा रहा है, उनको उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन चीज़ों को भुला नहीं पाओगे, इस थर्ड पर्सन को नहीं भुला पाओगे, या जो भी सिचुएशन है चीटिंग वगैरह हो गई है, धोखा हो गया है, बातें छुपाना हो गया है, चालाकी करना, 420 करना ही से कहेंगे, तो जैसे कि 420 की गई आपके साथ में, आपको ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन ने किया, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है उनसे ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि जस्ट लाइक इनको फ्रॉडर बोला जाए, या फिर इनको एक ऐसा इंसान मतलब ये बोला जाए कि ये ऐसा कुछ सुनना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट कि आप इनको ऐसा बोलोगे कि तुम मतलब ही हो, तुमने मुझे मतलब से रिश्ता बनाया, तुमने मेरा मिसयूज़ किया, या फिर तुम बहुत गलत इंसान हो, तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुम कैरेक्टरलेस हो, ये जो वर्ड होते हैं ना कैरेक्टरलेस वाला, ये बहुत किसी के अगर ऊपर फेंक दो ना मार के तो बम से ज़्यादा खतरनाक होता है, और कोई भी पर्सन ये नहीं सुनना चाहता। तो यहाँ पे देख पा रही व्यूवर्स कि ये जो शब्द है ना आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, और ये आपका पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं इस वजह से भी यहाँ पर आपकी तरफ जो उसके बढ़ते हुए कदम है, देख रहे हो ना यहाँ पे भी 1-1 की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी गाइज ये दिखाती है, ये कहीं ना कहीं इंसान आगे आपकी तरफ देख तो रहा है, बढ़ना भी चाह रहा पर बहुत ही स्लो हो गया है, कहीं ना कहीं खुद के जैसे कि कुछ बातें हैं उसके दिल में जो कहीं ना कहीं उसको आगे आपकी तरफ बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है, वो बढ़े तो बढ़े कैसे, किस तरह से बढ़े, जबकि देख रही हो ना जो हॉर्स पावर होती है वो बहुत स्पीडली पावर होती है, हॉर्स कभी सोता नहीं है, मतलब सोता है लेकिन वैसे खड़े खड़े सोता है, वो हमेशा रेडी रहता है, आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर रेडी नज़र आ रहा है, जैसे कि वो रेडी है, वो आपके साथ में आगे बढ़ने को रेडी है, एक नई शुरुआत करने को रेडी है, पर समवेयर जैसे कि उसके उसके अंदर के जो इनर थॉट है वो कहीं ना कहीं उसको जैसे कि रोक देते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, गाइज ये आपके पर्सन की यहाँ पे सिचुएशन बताती है कि इनके बीच में आपका पर्सन फंस जाता है, देखते हैं क्या कुछ है इनके और मन में आपको लेके।
ओके देखो यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, टू ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स एंड रिवर्स फाइव ऑफ सोर्ड, वही एनर्जी गाइज यहाँ पे है। ये पर्सन रिवर्स रुका क्यों है? ये पर्सन सिर्फ रुका इसलिए है कहीं ना कहीं, एक तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी इसका इसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, ये पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा या कर रही होगी। इसके लिए सिचुएशन रिवर्स सही नहीं है अभी, जैसे इसकी इसकी परिस्थितियाँ हो सकती है, इसकी या तो परिस्थितियाँ सही नहीं है, उसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हो जो उसको कहीं ना कहीं हिट कर रही है, और ऐसा भी नज़र आ रहा है इसकी, इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ। आप है सिचुएशन तो है, अब ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अगर इस कार्ड को देखोगे व्यूअर्स, ये आपका पर्सन है राइट। अभी इस पर्सन की तरफ आप कह रहे हो यार आजा, यार आजा बात कर लो, क्या बात है, बात बता दो, रिल से सही कर लो, आप अप्रोच कर रहे हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना खुद ही नहीं आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कहीं कहीं ना कहीं खुद ही जैसे कि रूट के बैठा हुआ है, या फिर ये कहे कि जिस लाइक ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है फिलहाल आपका कोई कॉल मैसेज रिसीव करने को लेके, कंफर्टेबल वाली एनर्जी नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अभी फ़िलहाल आगे स्टेप नहीं बढ़ा पा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि इसके एक तो इनर थॉट है व्यूअर्स जो इसको कहीं ना कहीं रोकते हैं, दूसरा इसकी सिचुएशन व्यूअर्स ऐसी नहीं है नज़र आ रही है कि इनसे ये ओवरकम कर सके। मे भी हो सकता है इसकी फैमिली में, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो उसकी फैमिली में इश्यूज़ हो सकते हैं इस कनेक्शन की वजह से, आपकी वजह से ठीक है, या फिर आपके दोनों की वजह से जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, कि हो सकता है आप दोनों में तनातनी बहुत ज़्यादा हो गई हो, कहीं ना कहीं जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाना, वो भी चीज़ें हो सकती है, कि ये जो पर्सन है ना कहीं ना कहीं ये यही कहने की कोशिश कर रहा है कि यार तुम मुझे बहुत ज़्यादा हिट करने लगे हो, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रांगनेस दिखाने लगे हो, ठीक है, उन्हीं बातों को रिपीट बहुत ज़्यादा करने लगे जिन बातों से मैं बचना चाहती हूँ या बचना चाहता हूँ। तो एक ऐसी इंटेंशन व्यूवर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके देखते हैं यहाँ पर आपका रोल क्या है इस पर्सन का। व्यूवर्स अगर देखा जाए ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने ही किए पे शर्मिंदा तो है, ये भी बात है यहाँ पर, अपने किए पे शर्मिंदा है, लेकिन वो शर्मिंदगी कहीं ना कहीं इतनी बढ़ गई है कि इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सके या इन चीज़ों से निकल के बाहर आ सके। ओके सो वी हैव रिबर्थ, कंप्लीशन एंड द रिसेप्टिविटी। बॉटम से व्यूवर्स यहाँ पे है क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आप दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो ये जो पर्सन है पास्ट में हुए किसी रिलेशनशिप से, ठीक है, आपके आने के बाद में रिलेशनशिप हो सकता है व्यूअर्स, या फिर आप दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है वो कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा जो पास्ट से बिलोंग करता है। मे बी ये चीज़ें गाइस देखो हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी मेमोरीज है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा पास्ट में कुछ हो घटा हुआ, कुछ ऐसा इवेंट है जिससे जिसकी वजह से आपके पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते को फिलहाल कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आप इनसे जैसे कि आप इनसे उम्मीद रख रहे हो कि ये अपने लिए इस कनेक्शन के लिए एक हिम्मत दिखाएंगे, एक ताकत दिखाएंगे, एक स्टैंड लेंगे राइट। तो एक स्ट्रांगनेस जो आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो व्यूअर्स, वो ये पर्सन अपने अंदर फिलहाल वो महसूस नहीं कर पा रहा, इवन तो ये काफ़ी स्ट्रांग पर्सन है, काफ़ी मतलब कह रहे हो ना कि आप अगर आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन तो बहुत जल्दी काम कर लेता है, बहुत स्ट्रिंग क्विक डिसीजन लेता है या लेती है, तो ये डिसीजन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत तो करना चाहता है, डिसीजन भी लेना चाहता है, क्योंकि कंप्लीशन वाली एनर्जी में भी आप चाहते हो कि ये जो पर्सन आपके साथ में एक रिश्ता कंप्लीट करे, इस रिश्ते को आगे लेके चले, ठीक है, या तो आपके पास में रिटर्न बैक करे, आप इसे पुकार रहे हो कि तुम आओ वापस से आओ, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना ये अभी अपने अंदर वो हिम्मत वो ताकत महसूस नहीं कर पा रहा, या फिर इसके अंदर वो आपको फेस करने की कहीं ना कहीं थोड़ी कहते ना एक लैकिंग नज़र आ रही है, जैसे कमज़ोरी है व्यूअर्स इस पर्सन के अंदर। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे पहले तो हील करने की कोशिश कर रहा है, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, किसी तरह से संभालें बातों को, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक मुझे माइंड सेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके तो बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए व्यूअर्स कश्मकश वाली एनर्जी है जो यहाँ पर यही दिखाती है, ये पर्सन व्यूअर्स अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रहा है लेकिन ये खुद के ही कहीं ना कहीं माइंडसेट में उलझ जाता है, ये फंस जाता है आपका पर्सन राइट। देखते हैं यूनिवर्स आपके इस कनेक्शन को लेके क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या पाथ रहेगा आपका, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं। आप लोग हो सकता है बस इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने को तैयार हो, इस पर्सन की गलतियों को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो, लेकिन ये पर्सन भी बस आपको फेस करने को तैयार नहीं है,
ठीक है, या तो आप दोनों में इतनी ज़्यादा कहा सुनी हो चुकी है, लड़ाई झगड़े इतने हो गए कि आपका पर्सन आपके पास में उसी बात को सोच के, पास्ट की उस बात को सोच के रिटर्न बैक नहीं कर रहा है, कि आप शायद फिर से वही अपना रवैया या फिर अपना वो बिहेवियर दिखाओगे जो कहीं ना कहीं आपने दिखाया है अग्रेसिव वाला, और ये एक वजह यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकती है। जो मैसेज आया मैंने आपको बता दिया, देखते हैं यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं। ओके, वी हैव द जॉय फर्स्ट कार्ड हमारे पास, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए पैशन। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये चीज़ें हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में फिर से रिटर्न बैक कर पाएंगे, आपके पर्सन के साथ में खुशियाँ आपको वापस से मिलेंगी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको लेके कहीं ना कहीं अपना, कहते ना अपना वो करेज, वो हिम्मत, वो ताकत, वो प्यार आपको दिखाएगा विद अ पैशनेट एनर्जी, कि आपको फील करवाएगा कि ये एक्चुअली में फील क्या कर रहा था, इसके अंदर क्या चल रहा था जब इसने कहीं ना कहीं आपके साथ में ये सब कुछ किया। ये क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं चाहता है व्यूअर्स आपका पर्सन, लेकिन बहुत शांति के साथ में, जैसे वो चाहता है कि जब वो आपको कहे तो आप उसे सुने और उनकी बातों पर यकीन करें। एक ऐसा माइंडसेट मुझे यहाँ पे नज़र आया। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो डिवाइन भी यही कह रहे हैं आपसे कि आप सिचुएशन को बहुत पेशेंसली कहीं ना कहीं हैंडल करें, और अग्रेसिव होने की जगह सामने वाले की परिस्थिति को समझने की कोशिश अगर आप करेंगे एक कहीं ना कहीं धैर्य के साथ में, पेशेंट। जो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे पैशन की एनर्जी नज़र आ रही है ना, पैशन, पैशन होता क्या, पैशन होता हमारा ब्लड। अगर आपको इसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, ब्लड, अब ब्लड अगर आपका ज़्यादा उबाल खा जाएगा तो आप गुस्से में आ जाओगे, और अगर आपका ब्लड, अगर आप उसको टेम्परेचर को अगर कंट्रोल रखोगे ना तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, अपनी लाइफ में आपको जो एनर्जी चाहिए वो ब्लड से ही मिलती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बोली जा रही है कि आपको इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना होगा, इन चीज़ों को समझना होगा, सोचना होगा, फिर एक्शन लेने होंगे, और आपके साथ में फिर ये खुशियाँ आपके साथ में जुड़ जाएंगी। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सर, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।